हेलो फ्रेंड्स, बेसिक हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या फ्रेंड्स, आप अपने व्हाट्सएप की इस चैट स्क्रीन में दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे जितना भी चैट है उसके बैकग्राउंड में अपना खुद का फ़ोटो या किसी का भी फ़ोटो जो आप चाहे वो लगाना चाहते हैं, तो आप कैसे लगा पाएंगे? अगर आपको नहीं मालूम है और आप सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपने व्हाट्सएप के होम स्क्रीन चैट जो होता है वहाँ पर कैसे बैकग्राउंड में अपना खुद का फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको सिंपली क्या करना है, अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, आपको सिंपली थ्री डॉट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन, आपको सिंपली सेटिंग्स वाला ऑप्शन में चले जाना है। और दोस्तों यहाँ देखेंगे चैट का एक ऑप्शन, आप सिंपली चैट वाला ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे चैट बैकअप कर एक ऑप्शन, आपको सिंपली इस पर चले जाना है और यहाँ से अपने चैट को जो है बैकअप कर लेना है। दोस्तों जैसे चैट बैकअप कर लेंगे दोस्तों आपको सिंपली बाहर आ जाना है और दोस्तों इस व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देना है दोस्तों, क्योंकि इस व्हाट्सएप में वो फीचर नहीं है। दोस्तों आप सिंपली इस व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे और इसे अनइंस्टॉल कर देंगे। और दोस्तों उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक व्हाट्सएप इंस्टॉल करना होगा। दोस्तों उस व्हाट्सएप का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे आप उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना और दोस्तों देखें यहाँ पे यो व्हाट्सएप एपीके, तो दोस्तों आपको सिंपली इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों देखेंगे डू यू वांट टू डाउनलोड दिस एपीके, दोस्तों आपको सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे थ्री डॉट का एक ऑप्शन, आपको सिंपली थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों देखेंगे डाउनलोड का एक ऑप्शन, आपको सिंपली इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे यो व्हाट्सएप डाउनलोड, तो दोस्तों वो व्हाट्सएप जो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो गया, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है जो व्हाट्सएप डाउनलोड हुआ। उसके बाद दोस्तों देखेंगे इंस्टॉल का ऑप्शन, आप सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेंगे। दोस्तों कुछ अलाउ मांगेगा आपके मोबाइल में, दोस्तों उसे सिंपली अलाउ कर देना है और दोस्तों आपके मोबाइल में ये जो है डाउनलोड हो जाएगा। आपको सिंपल उसके बाद क्या करना है, अपने मोबाइल में चले जाना है और जहाँ पे भी आपका व्हाट्सअप होगा आपको सिंपल क्या करना है, अपने व्हाट्सअप को ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे व्हाट्सअप ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, आपको अकाउंट बनाने के लिए बोला जाएगा। तो दोस्तों आप अपना व्हाट्सअप पर अकाउंट बना लेंगे, नॉर्मली जैसे व्हाट्सअप पर नंबर डाल के अकाउंट बनाया जाता है वैसे बना लेंगे। उसके बाद दोस्तों देखें कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, आपका पूरा डाटा यहीं पर रहेगा, आप बैकअप डाटा ले लेते हैं। तो उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर थ्री डॉट का एक ऑप्शन है, आपको सिंपली थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों उसके बाद देखें यहाँ पे वाई ओ सेटिंग्स कर एक ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में अगर व्हाट्सअप इंस्टॉल कर लेते हैं और ये सेटिंग नहीं आता है तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, वहीं पे चले जाना उस वाले लिंक पे जहाँ से आपने इंस्टॉल किया है, व्हाट्सअप को डाउनलोड किया है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे दो डाउनलोड का ऑप्शन, अगर उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक ये वाला है बाय वाई ओ यू एस ई एफ और दोस्तों दूसरा देखेंगे बाय एच ई वाई एम ओ डी एस। दोस्तों अगर ये व्हाट्सअप डाउनलोड करते हैं अगर उसमें वो ऑप्शन नहीं देता है तो ये वाला करेंगे तो ये इसमें आ जाएगा। दोस्तों हर एक के मोबाइल में अलग अलग काम करता है, किसी के मोबाइल में ये वाला व्हाट्सअप काम करता है, किसी के वाला में ये वाला। तो दोस्तों इस दोनों में से कोई एक आप डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों आप जैसे डाउनलोड कर लेंगे तो दोस्तों ये जो है वाई ओ सेटिंग का ऑप्शन आपके व्हाट्सएप में आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे बैकग्राउंड में फ़ोटो लगाने के लिए क्या करना है, वाई ओ सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। दोस्तों देखें यहाँ पे डी आई वाई थीम्स कर एक ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों आपको सिंपल क्या करना है, इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे डी आई वाई थीम्स पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर देखेंगे एडिट का और एक कलर का एक ऑप्शन है, आपको सिंपल एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे एडिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से ये वाला भी आप लगा सकते हैं, लगाना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप अपना फोटो लगाना चाहते हैं या किसी का भी फोटो, दोस्तों यहाँ देखेंगे ऐड का एक ऑप्शन है, आपको सिंपल इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके मोबाइल का फोटो या गैलरी जो डाउनलोड फोटो है पूरा वो ओपन हो जाएगा, आप जिसमें भी अपना फोटो रखें उस फाइल को ओपन कर लेंगे। दोस्तों मुझे यहाँ पर ये वाला फोटो लगाना है, दोस्तों मैं सिंपल इस वाले फोटो पर क्लिक करूँगा। दोस्तों जैसे इस वाले फोटो पर क्लिक करेंगे दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो दोस्तों ये वाला फोटो जो है यहाँ पे आ गया। उसके बाद दोस्तों देखेंगे डन का एक ऑप्शन है, आपको सिंपल इस डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों देख सकते हो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे सेव का एक ऑप्शन है, आपको सिंपल सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर फिर से सेव का एक ऑप्शन आ गया, आपको सिंपल फिर से सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मांग रहा इंटर द थीम्स नेम, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक नाम डाल लेना जो भी आप अपना थीम्स का नाम डालना चाहते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर थीम्स लिख ले रहा हूँ और उसके बाद दोस्तों देखेंगे सेव का एक ऑप्शन है, आपको सिंपल
पहले सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरे व्हाट्सअप के बैकग्राउंड में ये वाला फोटो जो है लग चुका है। देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने व्हाट्सअप के होम स्क्रीन के बैकग्राउंड में कैसे किसी का भी फोटो या अपना फोटो कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के दूसरे वीडियो में।